न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर के इंदरगंज थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। गत 23 मार्च को टेनिस कोर्ट के बाहर युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर मामले को जांच में लिया है। मृतक की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस को इस मामले में अवैध संबंधों का शक था। मृतक अक्सर जिस महिला के साथ देखा जाता था वही स्वयं को उसकी पत्नी बताकर पुलिस से मिली थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ की तो मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के एक अन्य युवक से संबंध थे, उन दोनों ने ही मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार हत्या करने से पहले मृतक को शराब भी पिलाई गई थी। 23 तारीख को एक अज्ञात डेड बॉडी की खबर मिली थी थाना क्षेत्र में, जो मोती तबेला एक जगह है वहाँ पर, उसमें अपराध पंजीबद्ध करके लगातार अनुसंधान किया हुआ। तो इसके जो मृतक था उसकी पहचान दिलीप साठे के रूप में हुई थी और ये पता लगा था कि ये अखिलेश्वर भगवान के आसपास वहाँ बैठता है, मंदिर के आसपास वहाँ पर बीमारी वगैरह होती है, खाना खाना इच्छा गति वगैरह करता है। तो सीनियर अधिकारियों ने उसमें डिस्ट्रिक्ट की उस आरोप लगातार विवेचना की गई। उसमें आज जो आरोपियों को रोहेश वाल्मीकि है और दूसरा उसके साथ ही महिला है। इसमें भी सामने आई है ये मृतक है जो महिला आरोपी है इसके उसके संबंध में, क्योंकि ये रिपोर्ट करने की महिला आई थी कुछ लेट और ये बताती थी कि उसका पति है, और ये बात कहीं से नहीं हुई है उसका पति है, पर ये बात सही है कि ये महिला और ये पुरुष दोनों साथ साथ रह रहे थे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।